लक्षण नजर आए तो समझो आप एचआईवी पॉजिटिव है। एचआईवी एड्स के बारे में आप जरूर जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि असुरक्षित शारीरिक संबंध इस बीमारी को जन्म दे सकते हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित व्यक्ति के शारीरिक द्रव्य के संपर्क में आने से भी आप इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके शरीर में दिखने वाले यह लक्षण एड्स के हो सकते हैं। पहला, बुखार। क्या आपको लगातार बुखार रहता है तो आप सावधान रहें, क्योंकि लगातार आने वाले बुखार एड्स का एक लक्षण हो सकता है। इस बीमारी में इम्यून पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रतिरोधी तंत्र बार बार बुखार को रोक नहीं सकता। दूसरा, लगातार थकान का बना रहना भी एड्स का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। शरीर का इम्यून पावर कम होने के कारण उसे आराम की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में लगातार थकान का बना रहना स्वाभाविक बात है। तीसरा, सिर में दर्द बना रहना और गला खराब रहना भी इस बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। इसी स्थिति में कई बार सिर में तेज दर्द भी हो सकता है, जो दिन भर और रात भर जारी हो सकता है। चौथा, त्वचा पर निशान, इम्यून व रेजिस्टेंस। पावर कम होने के कारण शरीर बीमारियों से आपको बचाने में सक्षम नहीं रह पाता। इसका असर त्वचा की बाहरी सतह पर भी होता है। त्वचा पर लाल रैशेस होना और उनका ठीक ना हो पाना भी इसी का एक लक्षण माना जाता है। पांचवा, वजन का लगातार कम होना। एड्स के अन्य संभावित लक्षणों के साथ साथ अगर आपका वजन लगातार घटता जा रहा है तो यह आपके लिए चिंताजनक बात हो सकती है। हालांकि वजन कम होने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। छठा, सोते वक्त पसीना आना। अगर आप चैन की नींद नहीं ले पा रहे हैं और किसी भी तापमान पर आपको अत्यधिक पसीना आता है तो इसे अनदेखा न करें। इस स्थिति में ज़्यादा पसीना आने के साथ ही आप करवटें बदलते हुए रात काटते हैं और घुटन महसूस करते हैं तो यह बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। सातवां, अगर आप अपनी एकाग्रता में कमी महसूस कर रहे हैं और किसी भी काम में फोकस करने में परेशानी महसूस करते हैं तो जरा सतर्क हो जाइए। इसी के साथ अगर आपके नाखून भी पीलापन, क्षतिग्रस्त या बुरे बुरे हो चुके हैं तो आपको इसे गंभीरता से लेना होगा।